नमस्कार, मैं हूं जैनिश मिसी और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। देश में बढ़ रहे डेंगू के प्रकोप को देखकर क्या सरकार करेगी इसे महामारी घोषित। देश में हर जगह डेंगू अपने पैर पसार रहा है। आम जनता से लेकर प्रसिद्ध क्रिकेटर शुभमन गिल तक डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। आंकड़ों को देखें तो भारत में 27 अगस्त 2023 तक 119,133 डेंगू के मामले और 5,069 मौतें दर्ज की गई हैं। जहां ये आंकड़े पिछले दो महीनों में और बढ़ते ही जा रहे हैं और थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजधानी दिल्ली की बात करें तो सितंबर महीने में डेंगू के अभी तक 2013 से अधिक केसेस दर्ज किए गए हैं, जिससे पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट गया है। वहीं दूसरी ओर बात करें उत्तर प्रदेश की तो यह आंकड़ा 10,000 के पार हो चुका है। बिहार में डेंगू से अब तक 3,024 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। डेंगू का यह संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश में तेजी के साथ डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, जिससे सबके दिमाग में यह सवाल उठ रहा है कि क्या सरकार को इसे महामारी घोषित कर देना चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।